नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ये एलजी का मेनबोर्ड है, इसका जो स्टैंड बाई वोल्टेज कैसे जनरेट होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये देखिए, इसका नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका नंबर है LM91M EAX6511-5602। ये इसका मेनबोर्ड है। इसके कंपोनेंट्स का मैं क्लोज आपको दिखा देता हूँ। कभी जैसे कंपोनेंट जल जाते हैं कई बार, तो वो हमको उसका नंबर वगैरह देखना होता है नज़दीक से, उसका रेजिस्टेंस देखना होता है कि उसका वैल्यू क्या है। ये 19 वोल्ट के एडेप्टर से रन होता है, जो सप्लाई है इसका 19 वोल्ट का एडेप्टर से चलेगा। अभी सबसे मेन चीज़ जो इसका, पहले हम शुरुआत में यही देखते हैं कि जो 19 वोल्ट हमारा जो एडाप्टर से हम देते हैं वो किस तरह से काम करता है, फिर हम बोर्ड में देखेंगे कि वो 19 वोल्ट कहाँ जाता है और किस आईसी पर पहुँचता है। तो सबसे पहले 19 वोल्ट से स्टैंड बाई वोल्टेज कैसे जनरेट होता है उसका ये सिंपल सर्किट है। ये इसका नंबर है बोर्ड का। देखिए, ये आपका कनेक्टर हो गया एडाप्टर का, जो है मेन बोर्ड पर 19 वोल्ट यहाँ पर इन होगा। ये 19 वोल्ट यहाँ से, ये एक इंडक्टर लगा हुआ है L701, और इससे पास होते हुए सीधा ये इस तरह से इस आईसी की पिन नंबर 7 पर पहुँचता है। डायरेक्ट जो 19 वोल्ट है, ये आईसी है IC701, इस आईसी की पिन नंबर 7 पहुंचता है, 7 पर विन वोल्टेज डायरेक्ट पहुंचता है। अभी ये देख लेते हैं इस बोर्ड में ये कहां पर है। देखिए, यहां पर ये 19 वोल्ट है कनेक्टर, और जो हमने बीच में सर्किट में जो कॉइल आ रहा है L701, ये जो आप देख रहे हैं L701, तो ये सर्किट में भी L70 के बाद में डायरेक्ट ये इस आईसी पर पहुंचता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आईसी है, ये वाला जो आईसी है ये स्टैंड बाई वोल्टेज जनरेट करने के काम करता है। तो इस आईसी का पिन नंबर, जैसे ये 1 हो गया, इधर से ये डॉट जो दिख रहा है ये 1 नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 नंबर जो पिन है वो 7 नंबर पिन पर ये आपका 19 वोल्ट डायरेक्ट पहुंचेगा इस आईसी पर। और ये आईसी जो है स्टैंड बाई वोल्टेज जो 3.3 जनरेट होगा, उसको 3.3 वोल्ट जनरेट करने के लिए काम आती है। और उसके लिए एक डायोड D701 है, ये एक कॉइल लगी हुई है L702, ये दोनों यूज होंगे 3.3 वोल्ट जनरेट करने के लिए। अभी सर्किट में हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से जनरेट होगा, वो आईसी कैसे काम करेगी, और 19 वोल्ट से 3.3 वोल्ट कैसे कन्वर्ट होता है। तो चूंकि ये डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा और आईसी के द्वारा स्विचिंग होगी, और स्विचिंग के थ्रू ये कन्वर्ट होता है। देखिए, 19 वोल्ट पहुंच गया, ये इस आईसी को एक तरह से VCC सप्लाई मिल गई, वर्किंग के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो इसको मिल चुका है। कोई वोल्टेज मिलेगा तभी आईसी काम करेगी। अब वोल्टेज मिलने के बाद दूसरी चीज आती है इसको इनेबल होने की, कि ये वोल्टेज मिलने के बाद काम करे या नहीं करे। उसके लिए ये पिन नंबर 2 आप जो देख रहे हैं, ये वाला, ये पिन नंबर 2 इनेबल पिन होता है इसका। और ये कहाँ से आ रहा है आप ट्रैक करिए, देखिए यहाँ से इस तरह से ये आता है, और ये 19 वोल्ट यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। अभी आप गौर से देखोगे तो हो क्या रहा है, ये 19 वोल्ट जो था यहाँ पर, एक ये 19 वोल्ट जो है यहाँ पर एक 100K का रेजिस्टेंस लगाया, और दूसरा 36K का रेजिस्टेंस लगाया, दूसरा रेजिस्टेंस को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और दोनों रेजिस्टेंस के बीच में से ये जो पॉइंट है यहाँ से इसको इनेबल दिया है। सिंपल सी बात है, ये एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हो गया। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जरूर देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट होता है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट।
और ये हर जगह पर यूज होगा, आपको हर सर्किट में, टीकॉन पर, मेन बोर्ड में, सभी जगह पर फीडबैक लिया जाता है या इनेबल दिया जाता है, उन जगहों पर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज होगा। तो यहाँ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से जैसे ही इसको इनेबल मिलेगा, तब जाके ये आईसी अपना स्विचिंग क्रिया स्टार्ट करेगी और तब हमको स्टैंड बाई वोल्टेज मिलेंगी। सपोज आपका 19 वोल्ट इनपुट हो रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस खराब हो गया, बहुत हाई वैल्यू हो गई, या ये खराब हो गया, या फिर ये कैपेसिटर मान लो कुछ शॉर्ट हो गया, तो उस केस में जैसे मान लो इनेबल नहीं मिलेगा अगर इस आईसी को, पिन नंबर 2 पर वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो ये वोल्टेज आउट नहीं करेगी। तो इस तरह से आपको इस सर्किट को समझना है। इनेबल मिल गया, विन वोल्टेज मिल गया, अब यहाँ पर स्विचिंग होनी चाहिए जो कि हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा पिन नंबर 1 से। ये जो पिन नंबर 1 है, यहाँ से हमको आउट मिलना चाहिए, उसका ये कॉइल है L702, यहाँ पर आउट मिलेगा, और ये 3.5 वोल्ट हमारा स्टैंड बाई हमको मिलेगा, 3.3 वोल्ट या 3.5 वोल्ट के आसपास स्टैंड बाई का वोल्टेज जो होगा वो इस कॉइल पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो इंडक्टर है L702 और D701, ये दोनों मिलके ये कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि ये बक कन्वर्टर है। बक कन्वर्टर कहाँ यूज होता है? जहाँ ज़्यादा वोल्टेज से हमको कम वोल्टेज बनाने होते हैं वहाँ बक कन्वर्टर का यूज होता है, और बूस्ट कन्वर्टर वहाँ यूज होता है जहाँ कम वोल्टेज से ज़्यादा बनाने हैं। तो यहाँ पर हमारा इनपुट में 19 वोल्ट है, हमको आउटपुट कम बनाना है, तो इस तरह का आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। और जो वोल्टेज बना है ये प्रॉपर है या नहीं है, उसके लिए फिर से देखिए, एक रेजिस्टेंस लगाया और रेजिस्टेंस 2 लगाए, ग्राउंड किया, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना के इसका जो है पिन नंबर 4 पर फीडबैक लिया गया है, और ये फीडबैक की रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज वगैरह हो जाती है, तो यहाँ पर आउटपुट में आपका वोल्टेज चेंज हो जाता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में आपको ये रेजिस्टेंस वगैरह भी चेक करने चाहिए। हमेशा आईसी पे ही डाउट नहीं होना चाहिए कि आईसी सीधा खराब हो जाए, अगर जली हुई नहीं है, बर्न नहीं है, तो आपको पहले कंपोनेंट लेवल पर चेक करना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा इनपुट 19 वोल्ट हुआ और उससे हमारा स्टैंड बाई वोल्टेज जनरेट होता है। फ्रिक्वेंसी वाली पिन है, इस पर रेजिस्टेंस लगा है, तो ये इसका फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क करेगा। कंपेयर COMP पिन भी यही काम करती है कि वोल्टेज जो आउट हो रहा है वो आईसी के हिसाब से होना चाहिए, कितना होगा क्या होगा। तो इस तरह से हमारा ये आईसी वर्क करता है। और आप बोर्ड में जब देखने जाओगे, इनपुट यहाँ पर होता है, कनेक्टर यहाँ लगेगा, और स्टैंड बाई वोल्टेज इस कॉर्नर पर बनता है, ये L702 जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका वोल्टेज स्टैंड बाई आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और आगे इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे होगा क्या कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, इससे आप जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो मिस नहीं होगा। तो सब्सक्राइब करने से आपका कोई लॉस नहीं है, इसलिए उसको कर लीजिए और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।